नमस्कार, टीवी वन इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष दीक्षित। लोकसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी गठबंधन के बीच में होगा। 2014 में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 2 और एसपी को 5 सीटें मिली थी। आपको बता दें, देश में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें लगातार लगी हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और गोरखपुर सीट पर भी सबकी नजरें लगातार होंगी। आपको इसी क्रम में आगे बता देंगे कौन सी सीट पर पार्टियों ने किससे टिकट दिया है। सहारनपुर से एसपी बीएसपी आरएलडी ने हाजी फजलुर रहमान जी को टिकट दिया है, जो कि बीएसपी के नेता हैं। बीजेपी ने राघव लखनपाल जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने इमरान मसूद जी को टिकट दिया है। कैराना से एसपी बीएसपी आरएलडी ने तबस्सुम हसन को टिकट दिया है, बीजेपी ने अभी घोषित नहीं किया, और कांग्रेस ने हरेंद्र मल्लिक को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर से एसपी बीएसपी गठबंधन ने अजीत सिंह को टिकट दिया है, बीजेपी ने संजीव बाल्यान को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिजनौर से एसपी बीएसपी आरएलडी ने मलूक नागर जी को टिकट दिया है, बीजेपी ने कुंवर भारतेंद्र सिंह को टिकट दिया है और कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया है। मुरादाबाद से गठबंधन ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, बीजेपी ने कुंवर सर्वेश कुमार जी को टिकट दिया और कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ जी को वोट दिया है। आपको बता दें कि अमरोहा से गठबंधन ने कुंवर दानिश अली जी को टिकट दिया है, बीजेपी ने कंवर सिंह को टिकट दिया है, और मेरठ से बता दें कि एसपी बीएसपी गठबंधन ने हाजी मोहम्मद जी को टिकट दिया है और बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने हरेंद्र अग्रवाल जी को टिकट दिया है। बागपत से एसपी बीएसपी गठबंधन ने जयंत चौधरी को टिकट दिया है और बीजेपी ने सत्यपाल सिंह को टिकट दिया है, कांग्रेस ने अभी वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। गाजियाबाद में आपको बता दें कि एसपी बीएसपी गठबंधन ने सुरेश बंसल जी को टिकट दिया है और बीजेपी ने वीके सिंह को टिकट दिया है। बुलंदशहर से बीएसपी गठबंधन ने योगेश वर्मा जी को टिकट दिया है, अलीगढ़ से एसपी बीएसपी गठबंधन ने अजीत बालियान जी को टिकट दिया है, बीजेपी ने सतीश कुमार गौतम जी को टिकट दिया है, हाथरस से एसपी बीएसपी गठबंधन ने रामजी लाल जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने त्रिलोकी जी को टिकट दिया है, मथुरा से गठबंधन ने नरेंद्र सिंह को टिकट दिया है और बीजेपी ने हेमा मालिनी जी को टिकट दिया है, आगरा से गठबंधन ने मनोज कुमार सोनी जी को टिकट दिया है जो कि बीएसपी के नेता हैं, और भाजपा ने एसपी सिंह बघेल जी को टिकट दिया है। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन ने राजवीर सिंह को टिकट दिया है और भाजपा ने राजकुमार चाहर जी को टिकट दिया है। लखीमपुर खीरी से गठबंधन ने पूर्वी वर्मा जी को टिकट दिया है, भाजपा ने अजय कुमार मिश्रा जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अजय जफर आजम नकवी जी को टिकट दिया है। बरेली से भाजपा ने संतोष कुमार गंगवार जी को टिकट दिया है। बदायूं से गठबंधन ने धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया है, भाजपा ने संघमित्रा मौर्य जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी जी को टिकट दिया है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, और हम आपको बता दें कि मिर्जापुर से गठबंधन ने राजेंद्र एस बिंद्रा जी को टिकट दिया है, भाजपा ने अनुप्रिया पटेल जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी जी को टिकट दिया है। बहराइच से सबीर बाल्मीकि जी को गठबंधन ने टिकट दिया है और भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया और कांग्रेस ने सावित्री बाई फुले जी को वोट दिया है। बाराबंकी से गठबंधन ने राम कुमार सागर रावत जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने तनुज पुनिया जी को टिकट दिया है। अमेठी के चुनाव में बीजेपी से स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ेंगी, अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस से राहुल गांधी जी उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि इटावा से गठबंधन ने कमलेश कोठरिया जी को टिकट दिया है और कन्नौज से गठबंधन ने डिंपल यादव जी को टिकट दिया है। आगे जैसे ही हमारे पास और सीटों की सूची आती है हम आपको बताते हैं। जुड़े रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज पे। आगे जैसे ही और हमारे पास न्यूज आती है हम आपको बताते हैं। मैं हूँ आपके साथ आशीष दीक्षित, और आप जुड़े आगे जैसे ही और कोई न्यूज आती है तो हम आपको बताते हैं। मैं हूँ आशीष दीक्षित, जुड़े रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज से।